गर्ल्स वेलकम बैक टू माई चैनल स्टाइल क्लासी है तो फ्रेंड्स मैंने ये मुस्लिम ब्राइडल लुक क्रिएट करा है एंड इट बहुत ही ईजी है तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे लुक क्रिएट करा है तो उसके लिए आपको देखना होगा मेरा पूरा वीडियो एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी आईब्रो फिल मैं लॉरियाल का यूज़ कर रही हूँ आईब्रो किट एंड मेरे को बहुत ज़्यादा मैं मेकअप में प्रो नहीं हूँ तो जो भी आता है जितना भी आ, आता है मैं आप लोगों को बता रही हूँ आई शेडो प्राइमर की जगह पर मैं यहाँ पर कंसीलर लगा रही हूँ एंड इसको मैं कर लूँगी पाउडर के साथ में सेट पाउडर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ लेकमे का सन एक्सपर्ट एंड ये एस पी एफ फोर्टी के साथ में आता है एंड अभी हम कंसीलर लगाएंगे तो मैं यहाँ पे पूना स्टोर के मेकअप ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ इनका भी रिव्यू का वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा है आप चाहो तो जा करके देख सकते हो बहुत ही अच्छे ब्रशेज़ हैं ये एंड यहाँ पे मैंने ये कुछ ब्राउन टाइप का एक शेड लिया हुआ है एंड क्रीज एरिया में मैं लगा रही हूँ तो ये दोनों आइज़ में मैं लगा रही हूँ एंड अभी मैं यहाँ पे आउटर वी में मैं पिंक कलर का एक शेड लगा रही हूँ एंड इसको अच्छे से कर लेंगे हम ब्लेंड आई शेडों में मेन जो काम होता है वो ब्लेंडिंग का ही होता है और पूरे मेकअप में जो सबसे ज़्यादा टाइम जाता है वो आइज़ पर ही जाता है तो इसको कर लेंगे अच्छे से ब्लेंड ब्लेंड करने के बाद में अभी मैं ये ग्लिटर लगा रही हूँ जो कि लिक्विड फॉर्म में है लिक्विड ग्लिटर है ये है स्विस ब्यूटी का गोल्डन शेड है तो इसको अच्छे से मैं लगा रही हूँ आप देख लो एंड ये जल्दी से ड्राई हो जाता है तो इसको लगाने के बाद आप अच्छे से इसको ब्लेंड कर लो पहले एक आई पे लगाने के बाद ब्लेंड कर लो देन फिर आप दूसरे आई पे जाओ तो अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा अदरवाइज़ फिर ये ड्राई हो जाएगा एंड इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से फिंगर की हेल्प से भी आप कर सकते हो फिंगर से ये ज़्यादा ईजिली हो जाता है एंड अभी आपको आइज़ में बाहर बाहर निकला हुआ दिख रहा होगा बट जब मैं टेप हटाऊँगी तो वो अच्छे से एक शेप बना देगा तो उसका आप टेंशन मत लेना तो ये मैं कर रही हूँ ब्लेंड 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 एंड फ्रेंड्स मेरा ये जो वीडियो है ना ये उन व्यूअर्स के लिए है जिनको मेकअप में कुछ नहीं आता मैंने सारा मेकअप स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ आ, बताया हुआ है आ, तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है एंड जो तो मेकअप में बहुत ज़्यादा प्रो है जिन्होंने कुछ कोर्सेज़ वगैरह करे हैं जिनको बहुत अच्छा मेकअप आता है प्लीज़ आप स्किप कर दो क्योंकि उतना अच्छा मेकअप मुझे आता नहीं है तो अभी ये मैंने कर लिया ब्लेंड एंड अब हम मूव कर रहे हैं आई लाइनर पर तो मैं यहाँ पर लैकमेक आई लाइनर लगा रही हूँ ब्लैक शेड में तो हल्का सा विंग निकालेंगे टेप की हेल्प से आप अगर विंग निकालोगे ना तो वो अच्छा सा एक शेप आ जाएगा तो मैंने यहाँ पे विंग और ये मैंने ना थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव करने का सोचा तो मैंने यहाँ पे ये कुछ एक डिज़ाइन बना लिया मैंने कहीं पे ये गूगल पे देखा था तो मैंने सोचा मैं करके देखती हूँ तो मैंने वो किया है मस्कारा लगा लिया और अभी मैंने ये हटा दिया है टेप तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है एंड अभी हम यहाँ पे लगाएंगे ऑरेंज करेक्टर आ, कहीं पर भी कोई आपके स्पॉट्स हैं डार्क सर्कल्स हैं तो ये उनको अच्छे से हाइड कर देगा थोड़ा सा क्वांटिटी में लेना है आपको और अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए मैंने फिंगर के साथ में ब्लेंड करा है जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पर आप हल्का सा अमाउंट लगा लें एंड अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मिलानी का कंसील प्लस फाउंडेशन जो कि कंसीलर का भी काम करता है और फाउंडेशन का भी तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये वाला ब्रश प्राइमर में लगाना भूल गई आप मेकअप करने से पहले प्राइमर लगा लें मेरे पास ब्लू हेवन का प्राइमर है तो अभी मैं वही यूज़ कर रही हूँ इसका भी रिव्यू मेरे वीडियो पे पढ़ाओ चैनल पे है आप चाहो तो जा करके के देख सकते हो तो अच्छे से मैंने ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन को स्प्रेड कर लिया है ये ब्रश कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी तो मैं आपको बता दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी ये फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में इसको ब्लेंड करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर भी पूना स्टोर का ही है एंड इसको पानी में डिप करके अच्छे से सारा एक्सेस वाटर स्क्वीज़ आउट करके फिर इसको यूज़ करना होता है इस तरह से आप देख सकते हो तो अच्छे से इसको ब्लेंड 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 कर लेंगे एंड अभी मैंने कंसीलर लगाया हुआ है आप कोई भी कंसीलर लगा सकते हो तो कंसीलर को मैं टिप एरिया के साथ में ब्लेंड करूँगी कंसीलर मैंने एल ए गर्ल का लगाया है जिस कंपनी uh, का मैंने करेक्टर uh, लगाया था सेम उसी का कंसीलर uh, है एंड अभी हम करेंगे पाउडर के साथ में सेट तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाइट टोन पाउडर आप कोई भी लूज़ पाउडर या फिर कोई भी कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो सेट करने के लिए आप बेक भी कर सकते हो बट मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैं बेक नहीं करती हूँ मैं बस ऐसे लगा करके फिर ब्रश से हटा देती हूँ एंड कॉन्ट्रिंग वगैरह मैं नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ब्लश तो आप देख सकते हैं मैंने ये लगा लिया है ब्लश ये ब्रश का कंपनी मुझे पता नहीं है क्योंकि ये ब्रश मैंने काफ़ी पहले ख़रीदा था और वो उसका नाम भी मिट गया है वे ये ब्रश काफ़ी अच्छा है एंड यहाँ पे ये मैं लगा रही हूँ हाईलाइटर आप कोई भी हाइलाइटर लगा सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल है या जो भी आप लगाना चाहते हो तो ये मैंने हाइलाइटिंग कर ली है जहाँ जहाँ पे भी मुझे लग रहा है करनी चाहिए काजल मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का तो ये मैंने लगा लिया है काजल आप काजल आपके अकॉर्डिंग लगा सकते हो आपको ब्रॉड लगाना है पतला लगाना है अभी मैं लिप लाइनर लगा रही हूँ ताकि लिप्स की शेप अच्छी आ जाए एंड लिप लाइनर से ही मैंने फ़िल कर लिया है लिप्स को अभी मैं मैट का लिपस्टिक लगा रही हूँ रेड शेड है ये तो ये मैंने लगा लिया है लिपस्टिक आप कभी भी मेकअप करते हो ना तो थोड़ी देर के बाद वो सेट होता है जब आधा घंटा हो जाता है थर्टी मिनट्स फोर्टी मिनट्स तब वो अच्छे से आपके स्किन पे ब्लेंड हो जाता है अच्छे से सेट हो जाता है तो फिर वो लुक बहुत अच्छा आता है तुरंत तुरंत का अगर आप मेकअप देखोगे ना तो वो उतना अच्छा नहीं आता है तो मैंने ये लगा लिया लिपस्टिक एंड ऊपर से मैं गोल्डन कलर का आई शेडो लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे आप चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो चाहो तो नहीं कर सकते तो ये है मेरा फाइनल लुक कैसा लगा बताइएगा